और ऑटो मशीन गन से कोई यूज नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली फायर करेगी। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में, और आज हम लेके सलार के सीन 5 का रिएक्शन, जो सलार का इंटरवल सीन भी है। सो सलार जो है लाइक मैंने थिएटर्स में देखी थी हिंदी में, और अब तेलुगु में देखने में एक अलग मजा आ रहा है उसमें, क्योंकि एक अलग आपको एक अलग पंच आता है, अलग फील आता है। हिंदी का भी इस बार मैं कहना चाहूँगा डबिंग काफी अच्छी की गई थी, एंड उसको भी देख के बहुत मजा आया था। देखो इसके बाद मैं हिंदी अलग से दिखाऊंगा, तो उसमें हिंदी में देखो मजा आएगा, क्योंकि सलार मूवी ऐसी है आप 2-3 बार देख लो ना कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा उसमें पंच है। और मैं सेम वही फील कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम देखने के बाद, जो अब देख रहा ना तो उसमें एक अलग पंच आता है। आप अब वेट करते हो कि वो सीन आने वाला है, अब वो चीज होने वाली है, तो और मजा आ रहा है। और इवन जो कुछ छोटे मोटे डाउट्स होते हैं ना वो भी क्लियर होते जाते हैं। हाँ, और मुझे तो अभी पता है इनकी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, श्रुति हसन और प्रभास का। मेरे को लग रहा है कोई सॉन्ग वॉन्ग प्यारा सा इसमें, कुछ रोमांस है वो इतना तो बता ही सकते हैं, तो रोमांस है कुछ, ये है इसका यही काम है, ये कोई भी मूवी हो उसमें रोमांस ढूंढती रहती है। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, तो बंदा प्यार ढूंढ ही लेता है। ये मतलब हम लोग मारा पीटी वाली मूवी देख रहे हैं, सलार देख रहे हैं जिसमें बंदा मारता है सबको, तो प्यार चाहिए। मैं अच्छी चीजें देखती हूँ, अच्छी चीजों पे ध्यान होता है मेरा। अभी देखते हैं इनका प्यार होता है कि नहीं होता। तू बता इसमें रोमांस है कि नहीं। इसमें रोमांस तो नहीं मिलेगा, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ तो देख लेते हैं फिर ये कैसा होगा, तो आओ देखो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऊपर जाके पैक करो। हाँ जी निकलना है। हाँ जी। ఇదంతా నా వల్లే జరిగింది, ఆ అమ్మాయి మీ దగ్గర సేఫ్ గా ఉంటుందని నేనే దేవాను ఒప్పించాను. ఇప్పుడు నా గురించి నా కొడుకు గురించి తప్ప వేరే ఆలోచన లేదు, ఇంకొకరి సమస్య గురించి ఆలోచించే తీరిక లేదు. 7 ఏళ్లుగా పరిగెడుతూనే ఉన్నాం, ఇక్కడ ఏదో ప్రశాంతంగా ఉంది అనుకున్నాం, ఇప్పుడు మళ్ళా పరిగెత్తాల్సి వస్తుంది. చెప్పు, క్రాస్ కర్కె దేఖ్ రఖా హేగా, నీ వల్ల నేను జగ నహీ జా సకతే హూ, హో ఆయి హూ. సో యే 7 సాల్ సే అప్నే బేటే కో బచా రహీ హై కి భాయ్ मामा तेरे को समय इंडिया को चानो इंडिया इसलिए आई मामा ये बेटे का ना इंडिया की रावला नहीं थी तो नस्तिकल नहीं इंडिया लो कलपाल नहीं I know I've asked a lot of you but no पिल्ला की नच लेतो ना को नच लेतो oh no ऐसा तो मत बोलो यार देश के पबिला वो बहुत प्रोटेक्टिव है अपने बेटे को लेके तो उन्हें नहीं पसंद है सब अलग ही ट्रॉमा भी तो चल रहा है అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మన వాళ్ళే, ఆ చెక్ పోస్ట్ దాటిస్తే బర్మా బార్డర్ వస్తుంది. ఎక్కడుంది చెక్ పోస్ట్ కు వెళ్ళే దారిలో డిన్సుకి అని ఊరుంటుంది, ఆ అమ్మాయిని అక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి. సీల్ మర్చిపోకో. ये कितना स्लीपी आदमी है, आलसी आदमी पर है खतरनाक। डिलीवरी पॉइंट चेंज है, बर्मा बॉर्डर के वेलदम पदनरा हां बॉर्डर म्यांमार बॉर्डर दाट गने पर ले देवा नहीं चूसकुंटा बाइल देर दा फाइनल गुड बाय तक नहीं कहने दिया। कैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, एंड उन्हें पता भी था कि नहीं ये लड़की सेफ नहीं रह पाएगी इनके बिना, वो भी आ गया इंडिया। बाबुंडा कहाँ आ गया? नहीं कुछ देने का था कावर। बेटे को बचाने के लिए। क्यों चाहिए यार कृष्णकांत में क्यों चाहिए? ये मुझे भी नहीं पता, ये आइडिया ही नहीं आता मूवी में। क्या तूने तो देखी हुई है ना? नहीं देखने के बाद भी नहीं पता चलेगा, ये सेकंड पार्ट में शायद रिवील करे। तो हो भी रहेगी, बोलूं नहीं बोलूं क्या करूं? फिर से अपने बेटे को खुद ही लेके आऊं? क्या भाई ये भी उनकी प्रॉपर्टी है, खर्चार वालों की, कोई छू मत लेना इसको। उसने कुछ इनके साथ खराब किया था 7 साल पहले, एक कनेक्शन तो हो गया उसके साथ। नू पिल्लल की नच ले दू ना को नच ले दू, रोक दिया, रोक जा। एक काम और है, अब मार ही रहा है तो ढंग से मार और मार मार डाल। बर्मा की तीस गलते मनम तपिच को ले। What did my dad do to them? ना नंद को मीता कर की तीस कुछ पटा रहा। प्लास्टिक कत्ते की वाला माँ इंद को अंतर ही आता है इंदे। क्या है इसका राज क्या है? ओह वो बंदूकें बड़ी थी, वही है ये बंदूकें ना? वो ट्रक में सब भरा पड़ा है। इतनी लोडेड ट्रक है। आप और नहीं कटिया पटको।
ఇన్ని రోజులు నా కూతురు ఎవరి దగ్గర ఉందో తెలిస్తే నువ్వే వదిలేస్తావు. अभी बहुत होगा. लड़की भी है और उन्हें पता है कैसे क्या करना है. सब दिखता है क्या? इतना हमला करना है कि वो फट ना जाए ऐसा. कर रखी है यार. वो लॉन और ऑटो मशीन गन है, कोई यूज नहीं कर रहा है. ऑटोमेटिकली फायर करेगी. ये लोग गोली चला रहे हैं तो किस पे चला रहे हैं? किसको मारोगे? कोई बंदा ही नहीं है. भाई क्या चल रहा है? बताओ तो कौन है? पंडी ना पिंदे देवरता. देवा ने खुद रुकी है. वो रुक गई. ओ भाई हाथ कांप रहे हैं. अलग खौफ है उस बंदे का. अब ये जागी. वाह. इसका बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? वो कहाँ है? वो अभी आएगा. वो लोग सिर्फ देख रहे खड़े हो गए. अब ये लोग लाइव टेलीकास्ट देखेंगे. सब रिवील होगा. ओह यार ये कैसा लग रहा है ना यार. मन कट्टा तो नदी नहीं आप कानी. ये तो थंडर स्ट्रॉम है. समुद्र नहीं अलाप उतार रहा. ये टैटू के बारे में आगे पता चलेगा. इसके पास ये स्पेशल टैटू है. चेप्पुंटे नु नन्ना पैदाने भी नी कूतर वल्ला वाड़ दोरिकाड़ो. ఎవ్వరూ వాడిని ఏమీ చేయలేరు. అందుకే ఆ సీలుండే బండిలో పెట్టి బండి నాపేలా చేశాను. ఆ సీల్ ఆపితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసు కదా. ఖతం కర్దేతే సీలు. ఓ సీల్ హై కిస్కి కదా. సీల్ ని ఆ ప్యారో మొదటిసారి ఐతే దా నా పిని ఆ తెలుసు. ఏరా ఓ దోస్త్ वरदा को ही पता एक ही जन वो सील तोड़ सकता है. डिसोबे कर सकता है. वार्ड तब तो इनके विरुद्ध न्यापले. कॉमन यस. वाव. देवा. ఖాన్ సార్ వల్ల చాలా మంది కథలు మారాయి, కానీ ఖాన్ సార్ కథ మార్చింది ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు. ప్లాన్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. ఎవడో ఒక్కడే మిగులుతాడు. ఖాన్ సార్ కా సలా. వరద రాజమన్నార్ కా సలా. बनाने वाला ही वही है. क्या बात है यार. ये मासी है सीन है ये भाई. इससे ऊपर नहीं आता यार. क्या हाइप है.
एलिवेशन कैसा लग रहा है, वो भाग के चला गया। ओ मेरे को वो बाहुबली वाला सीन याद आ रहा है, वो ऐसे वाला पैर वाला। अब क्या होगा, घमासान। వాడు పెట్టిన నియమమే కదా, దాన్ని ఎవరు ఆపినా ఓ సీల్ నా తోడనేగా నిన్నగా చావాల్సిందే, మన్నా పడేగా లడాయి। కొన్ని కథలు చూస్తే భయమేస్తుంది, అభి హం సలార్ కన్సార్ కే అందర్ ఘుసేంగే, ఇట్టే భయమేస్తుంది। అయితే ఈ కథని తలుచుకుంటేనే భయం వేస్తుంది। వాడి కథ వింటావా? क्या एलिवेशन था ये, कभी ये दिमाग से निकल नहीं सकता। ये मेरे पास शब्द बोल कुछ भी नहीं है कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ। जिस हिसाब से ये डिस्क्राइब कर रहा है ना, मैं तो कर भी नहीं सकती वैसे डिस्क्राइब, क्योंकि मेरे को सच में मैंने इतना कुछ, इतना सारे विजुअल्स है, इतना सब है, और अभी जो इंटरवल के बाद ये चीजें दिखाने वाले ना, थोड़ा सा स्प्लैश दिखाया है, थोड़ा सा जो दिखाया ऐसा लग रहा है यार मेरे को समझ में तो आएगा ना यार, क्योंकि मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आगे चल के। वो थोड़ा सा लगेगा बट ये है कि मजा बहुत आएगा। एंड लाइक वो जो वो लेडी का वो करना ना, वर्धा राज अमन नार कसलार, एंड वो पीछे उनकी वो साथ में चलना। और वो टैटू जो टैटू का तू बोल रहा था, क्या इतना बड़ा टैटू कर रखा था। वो टैटू का आगे लास्ट में पता चलेगा, पर ये बहुत बड़ी बात हो गई है ना, दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में, और वो भी ऐसे वैसे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, दोनों एक से बढ़कर एक है। उसने उसके लिए अपना एरिया तक दे दिया था, इस तरीके की उनकी दोस्ती थी, तो आगे उनका क्या इतना प्रॉब्लम। क्या लग रहा है कि ना ये लड़ाई हुई नहीं, ये करवाई गई है लड़ाई, हो भी सकता है। और एक्चुअली इसके बारे में भी मेरे को भी नहीं पता, ये भी पार्ट 1 में पता नहीं चलेगा, मतलब सस्पेंस में ही छोड़ देता है। हाँ, ये भी चीज आगे बाकी पता चलेगी, लेकिन अभी जो इसके बाद इंटरवल के बाद होगा ना, तब पता चलेगा मेन पॉलिटिक्स और हर चीज क्या होती है। पर ये सीन की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग KGF देखी थी ना, तो उतना होता था और एलिवेशन क्या हो सकता है, पर ये एलिवेशन देख के लोगों क्या हो सकता है। मैं तो सीधा हाई जंप ही मार रहा है, मैं तो KGF भी नहीं, सीधा मैं यही देख रही हूँ, सलार ही देख रही हूँ। हाँ ये, और ऊपर से यही चीज ये था कि जैसे प्रभास का वहां पे आना और सिर्फ श्रुति हासन का वहां खड़े रहना और प्रभास का एक भी डायलॉग नहीं बोलना, और ऐसा था कि जरूरत भी नहीं लगी। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ वो खड़े थे ना, वो बोल रहा था कि भाई मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं हूँ मैं, ऐसा दिख रहा था। अभी मेरे को थोड़ा फील हो रहा है कि सच में डायलॉग्स कम है, मतलब मेरे को लग रहा है कि प्रभास की मम्मी के ज्यादा डायलॉग्स है। हाँ वो तो है ही, एक्चुअली वो लीडर है उनकी, वो पूरा कंट्रोल कर रही है, तो वो अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएगा, जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए।